पर दिखाते हैं जहां दिल्ली में एमपी कांग्रेस की बड़ी बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां दिल्ली में एमपी कांग्रेस की बड़ी बैठक। और इसी खबर पे आगे आपको बता दें विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक है। बड़ी खबर इस वक्त की विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक आयोजित की गई है, कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक आयोजित की गई है। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां एमपी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी समेत कई बड़े नेता जो है वो उसमें मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली में एमपी कांग्रेस की बड़ी बैठक और विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया है, जहां पे रणनीति बनाई जाएगी। और बता दें विधानसभा चुनाव को लेकर आयोजित बैठक में कांग्रेस मुख्यालय में बैठक आयोजित की गई है। एमपी कांग्रेस के प्रभारी समेत बड़े नेता इसमें मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें आगामी विधानसभा चुनाव जो है वो बेहद ही नजदीक है मध्य प्रदेश में, जिसको लेकर के बैठकों का दौर लगातार जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, बैठक आयोजित की गई है, किन किन विषयों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, क्या रणनीति बनाई जाएगी आगामी चुनाव को लेकर के? देखिए, बिल्कुल आने वाले समय में मध्य प्रदेश में जो है चुनाव होते हुए नजर आएंगे और उसी को लेकर कांग्रेस लगातार कमर कसती हुई नजर आ रही है। और आज दिल्ली में कांग्रेस की ये अहम बैठक जो है मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखने को मिलती हुई नजर आएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक होगी। कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक अब से कुछ ही देर बाद लगभग 11 बजे के आसपास शुरू होती नजर आएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता, जिसमें पीसीसी प्रेसिडेंट की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें, तमाम ऐसे नेता जो है वो इस बैठक में जो है शिरकत करते हुए नजर आएंगे। और सीधे तौर पर किस तरीके से चुनाव तैयारियों के संदर्भ में जो है चर्चा की जा सकती है, इसी को लेकर यह बैठक जो है काफी अहम मानी जा रही है। कर्नाटक में हाल ही में कांग्रेस की चुनाव जो है जीतती हुई नजर आई है, उसके बाद सीधे तौर पर मध्य प्रदेश में किस तरीके से मजबूती के साथ जो है चुनाव लड़ा जा सकता है, तमाम कांग्रेस के नेता जो है एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। इसी जो है संदर्भ में जो है रणनीति कहीं ना कहीं बनाई जाएगी। इसके साथ साथ हमने देखा था कि सरकार तो कांग्रेस की जो है मध्य प्रदेश में बनती हुई नजर आई थी, लेकिन जिस तरीके से बीच में बड़े फेरबदल देखने को मिलते हुए नजर आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उसके बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार देखने को मिलती हुई नजर आई, तो ये तमाम मसले ऐसे होते हैं जो कांग्रेस किस तरीके से आने वाले समय में टैकल करती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा बीजेपी के खिलाफ किस तरह की रणनीति जो है बनाई जा सकती है, इन तमाम मसलों को लेकर जो है आज मध्य प्रदेश कांग्रेस की बड़ी बैठक अब से कुछ ही देर बाद कांग्रेस मुख्यालय में होती हुई नजर आएगी। इस पर आगे भी इस बैठक को लेकर के आपसे जानकारी लेंगे। जैसे कि आपने कहा कि फेरबदल का दौर जो है वो जारी है, तो देखने वाली बात होगी बैठक में किन किन विषयों को पर चर्चा की जाती है और क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।